एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पर फायरिंग के मामले में गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दिया बयान, कहा दो आरोपी हुए गिरफ्तार, पूछताछ जारी, ओवैसी को ले लेनी चाहिए जेड श्रेणी की सुरक्षा। बिजनौर सहित 3 जिलों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने की वर्चुअल रैली, कहा यूपी ने भरी हुंकार, एक बार फिर बनेगी भाजपा की सरकार। विरोधियों पर पीएम का हमला, कहा उनकी चाहत फिर से माफियाओं के लिए बने सरकार, भाजपा आएगी तभी लोगों को मिलेगी सुरक्षा। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 28 उम्मीदवारों की लिस्ट, 10 महिलाओं को कांग्रेस ने दिया टिकट, गौरा और मनकपुर से कांग्रेस ने बदले कैंडिडेट। हरिद्वार में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कर्नल कोटियाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भाजपा और कांग्रेस पर की आरोपों की बौछार, कहा आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो बेहतर बनेगा उत्तराखंड।